भाई बहुत ठंडा है। देख लो भाई क्या गुंडागर्दी चल रहा है, पार्किंग लाइट्स ऑन कर रखी दोनों गाड़ियों की, देख लो अलग चमक रही है पूरा रोड। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे न्यू ईयर बनाने रिसॉर्ट में आ रखे थे, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देख लो, सब साथ में आएगा हम कहाँ पे थे क्या है। तो कल रात को तो मैं 5 बजे तक सोया था, तो मैं आज उठाए 12 बजे हूँ, मुझे नाश्ता तो नसीब नहीं हुआ, फिर मैं उठते ही यहाँ पे घाट पे आ गया चिल मारने के लिए। मेरे भाई और सब रूम में बैठे हैं, वो लोग भी आते नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ पे नहाएंगे भाई, बस उसका एक्सपीरियंस करवाया। ठंडा ठंडा पानी इतना साफ। मेरे पापा तो अभी नहाएंगे, पर हम तो जब सारे भाई आएंगे तब नहाएंगे भाई। मैं पहले भी ओंकारेश्वर आया था और इसी नदी में नहाया था, पर मैं उसका व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि गोप्रो ने एडिटिंग के टाइम क्लिप में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना व्लॉग, तो उसको मैंने नहीं अपलोड किया भाई। यार चढ़ाई का सफर थोड़ा मुश्किल रहता है भाई। यहाँ चालू हो चुके न्यू ईयर की साफ सफाई, अब फिलहाल हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। तो भाई पहले हम पाली चल रही है भयंकर, सारे न्यू ईयर के फोटो पोस्ट कर दिए इंस्टाग्राम पे, जाके देख लेना। तो भाई अभी का तो ये है कि सब लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, घाट साइड कोई भी नहीं जा रहा, पर मैं अकलौता हूँ जो घाट साइड जाऊंगा, क्योंकि घाट साइड एक शमशान है, तो मम्मी और जो सब मना कर रहे हैं जाने के लिए, वहाँ पे काली शक्तियाँ घूमती है। तो फिलहाल तो सब लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे और मैं अकलौता जाऊंगा घाट में नहाने के लिए। खैर तो बुआ ने यहाँ पे खाना बनवा दिया, खाना खाएंगे उसके बाद चलेंगे। तो ये हमारे आज की मील और ये आज का नजारा भाई, भिंडी तो मिली जाती है हर जगह। चलो भाई हो चुका है खाना पीना, अब ये लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे और मैं जाऊंगा अपना टावल लेकर नर्मदा रिवर में स्नान करने, और फिर मैं भी जाऊंगा स्विमिंग पूल में। लेट्स सी भाई 4:30 बजे के आसपास कैसा पानी रहता है नर्मदा रिवर का। ये देखो भाई यहाँ से चल के वहाँ तक जाना है मुझे, तो मेरे पापा जी भी आ रहे हैं सेफ्टी के लिए, थोड़ा कभी अगर मैं डूब जाऊँ गलती से तो। ये देखो भाई ये दिख रहा है ना, ये शमशान घाट, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे काली शक्तियाँ घूम सकती है। भाई स्पीकर होना चाहिए था भाई यहाँ पे तो आया। अरे ये कैसे लोग हैं यार भाई, ये कौन करता है भाई, ये किसने किया यहाँ पे? भगवान की तस्वीरें यहाँ पड़ी थी भाई, नीचे पैर में सब लोग हैं भाई, यार कैसे लोग हैं। इसका एक ही काम कर सकते हैं भाई अपन, इसको यहाँ पे बहा देते हैं भाई बस। ये देखो भाई जब मैं व्लॉग स्टार्ट किया था ना, यहाँ खड़े होकर व्लॉग स्टार्ट किया था, पानी का लेवल बहुत ऊंचा था, अब देखो सारा पानी नर्मदा रिवर में बह गया, अब इसका लेवल देखो कितना नीचे हो गया। चलो वैसा था नर्मदा रिवर में स्नान कर लेते हैं, फिर चलेंगे उनके पास उधर ऊपर स्विमिंग पूल में। यहाँ पे इतनी काई और फिसलन ना भाई कि यहाँ पे तो व्लॉग नहीं बन सकता भाई, बहुत ठंडा है, एक बार डुबकी ले लेते हैं नर्मदा रिवर। जय श्री राम। अरे मेरे भाई लोग क्यों नहीं है नर्मदा रिवर में नहाने के लिए, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बहुत मजा है। मैं 20-25 मिनट नहा लिया नर्मदा रिवर में, अभी ऊपर जाके स्विमिंग पूल में नहाएंगे, वहाँ पे खाने वाने चल रहे हैं। पॉइंट ये है कि भाई स्विमिंग पूल में कहीं भी नहा सकते हैं, मतलब इंदौर में स्विमिंग पूल में वहाँ भी नहा सकता हूँ, तो जितनी बड़ी रिवर है ये हर जगह थोड़ी आ सकती भाई, तो यहाँ जाने के ज्यादा मजा है। इसलिए यार हम लोग जब रिवर रिसोर्ट आए थे सब लोग साथ में मिलकर नर्मदा रिवर में नहाए थे, पर इस बार सिर्फ पापा और मैंने, बाकी कोई भी नहीं नहाया भाई, बाकी सबकी यहाँ मस्ती चल रही है भाई, देख लो भाई ये यहाँ मस्ती चल रही है बाकी सबकी। ठंडा पानी है हाइटी लग गई है, तो चाय वाय पीते हैं और फिर नहाने जाएंगे भाई। लगी सवार दूं एक नहीं पहार दूं, दुनिया ही बता दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। चलो भैया आज की आउटफिट जो मुझे पता है मैंने थोड़ी अच्छी पहन ली, पर ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है साल का, अभी चलते हैं ऐसे रिवर रिसोर्ट के गेम्स देखने लिए। अंधेरा और फ्लैशलाइट ऑन, वो रे भाई ऊपर जिपलाइन जो की हर बार की तरह इस बार भी रह गई। बस ये यहाँ के गेम्स भाई, मतलब सारे एडवेंचरस गेम है यहाँ पे रिवा में, देख लो सारे एडवेंचर के गेम मिल जाएंगे A to Z। इस साइड थोड़े जिम और उसके इक्विपमेंट्स और बाकी सारी जगह एडवेंचर। एक तो कीड़े बहुत हो रखे हैं यार पूरे रिवर रिसोर्ट में। चलो भाई ये भाई गए तो एडवेंचर तो बनता ही है, बाय द वे एक हाथ से करना मुश्किल होगा भाई, बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। यहाँ पे तीन ऑब्स्टिकल थे, तीन ऑब्स्टिकल हो गए, अभी चौथा बचा है बस लास्ट, जो कि बहुत ईजी है। सबसे हार्ड तो टायर वाला था भाई, उसको करने में जान निकल गई। ये कॉटेज रूम से गाइस आके देख लो, ये बहुत बड़े बड़े टेंट्स हैं ना, तो पर ये जो एरिया है ये बहुत दूर है, जो हमारा खाने पीने का जो मेन एरिया है ये उससे दूर है। ये देखो कॉटेज रूम है, छोटे छोटे रूम है, ज्यादा कुछ है नहीं, ये छोटे टेंट है और उस साइड बड़े टेंट है। इतना कोई खास लगा नहीं मेरे को इस साइड, क्योंकि बहुत दूर है, मतलब खाने पीने का जो एरिया है वो बहुत दूर है यहाँ से। ये देखो भाई अंदर, ये बाहर से ऐसा है, अंदर से इतना लंबा रूम है, ये इतना लंबा रहने का, मतलब आराम से घूम सकते हो जहाँ घूमना है। इन लोगों अलग से गार्डन भी प्रोवाइड कर रहा है भाई, हमें डांस प्रैक्टिस चल रही है रील बनाने की, पर चलो ठीक है अपन तो अपने रूम में चलते हैं। भाई यार इतना कोने में रहने की फटती नहीं है क्या लोगों की, मतलब यार है सांप बिच्छू गुज्जा अंदर से कोई भी। हम गेम खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं भाई, देख लो भाई टाइम पास के लिए, ये भाई ऐसे गेम खेल रहे हैं। तो भाई फिलहाल खाना वाना निपट चुका है, वीडियो बनाना भूल गया मैं, बहुत अच्छा खाना था डिलीशियस, मैं वीडियो बनाने भूल गया बातों बातों में। तो अभी तो फिलहाल जा रहे हैं रूम में, रूम की चाबी खोलेंगे, गाड़ी की चाबी निकालेंगे और देंगे अभी बाहर घूमने के लिए। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2। चलो भाई फाइनली 2 दिन बाद जा रहे हैं भाई रिवा के बाहर घूमने। यार हम आ तो चुके हैं गोपाल मिडवे पे, पर यहाँ पे गाने बज रहे हैं यार पीछे, कॉपीराइट प्रॉब्लम। व्हेनेवर आई सी मिरर। चलो भाई हो गए जलेबी,
इसकी भी मैं वीडियो बनाने भूल गया, जल्दी जल्दी में खाता हूँ। टेस्ट है भाई ये चीज मिल जाए ना भाई रात को तो भाई बस भाई। हाँ गाइस सब कमेंट में डाल दो हैशटैग दूध जलेबी ओपी, दूध के साथ भाई, दूध के साथ जलेबी भाई। भाई अब जलेबी की मजे हो चुके हैं, अब जा रहा है मैं दूध पीने। भले अलग अलग है जलेबी और दूध पर मजा आएंगे भाई। भाई भाई मलाई के झाग बन रहे हैं भाई, देख लो भाई मलाई के झाग। इसको फील करो गाइस, ये बात है। और देखो गाइस इसका जो मजा है ना भाई, वो नॉर्मल दूध में तो नहीं है, तो नॉर्मल दूध से इसका कंपेयर मत करना। अच्छा बेटा बाहर आने माला सारा था कि अंदर ही ले लिया है, तो अंदर निपटा रहे गाइस। चलो भाई अब दूध भी पी लिया, जलेबी भी खा ली, अब चलते हैं वापस अपने घर रिसोर्ट पे। देख लो भाई क्या गुंडागर्दी चल रहा है, पार्किंग लाइट्स ऑन कर रखी दोनों गाड़ियों की, देख लो अलग चमक रही है पूरा रोड। भाई यार 1 जनवरी का दिन है यार, भाई पहला दिन न्यू ईयर का, और मैं आपको बताता हूँ भाई चांद कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो भाई जितना मैं जूम कर सकता हूँ भाई, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है भाई इस बार। इनका जूम देख लो भाई, जैसा है ना इनका कितना जूम है भाई। चंद्रयान पे रोबोट है कि नहीं देखा तो भाई, जरा रोबोट है कि नहीं? नहीं है भाई। चलो भाई फिलहाल आ चुके हैं हमारे रूम में, अब बस चेंज करेंगे, सोने की तैयारी करेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर जॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से बस खा रहे हैं पोंडो की तरह बैठे हैं, वॉकिंग नहीं हो रही, जॉगिंग नहीं हो रही, तो थोड़ी देर चलते हैं, फटाफट चेंज करते हैं और जॉगिंग करेंगे। चलो भाई वी आर रेडी। रिसोर्ट का जो बीच का गार्डन है उसके 4 चक्कर 3 राउंड कम्प्लीट। मुश्किल है थोड़ा, 4 दिन बाद हिल रहे हैं, पर करना पड़ेगा। कम से कम 6 से 7 राउंड लगाऊंगा इसके गोल गोल, हो सकता है मुझसे। लेट्स गो गाइस, टोटल 7 राउंड जॉगिंग के और 3 राउंड स्प्रिंट करके आया हूँ, इतना काफ़ी है 4 दिन के लिए भाई। लगातार करा तो बहुत थक गया हूँ मैं, अब जाऊँगा रेस्ट करूँगा और एडिटिंग करके थोड़ी सी सो जाऊँगा बस भाई। मेरी कसम से ये मुश्किल था भाई थोड़ा, 4 दिन आलसी करने के बाद लगातार दौड़ना। वैसे तो जैसे मालूम पड़ा है कि सुबह 6 बजे उठ के कल इंदौर निकलना है, यूँ तो है 12 बजे का चेकआउट। मम्मी पापा 12 बजे निकलेंगे और उनका रेस्ट घूम के आएंगे, पर हमारे सब भाई वगैरह सब सुबह 6 बजे उठ के निकल रहे हैं इंदौर, उनको काम है तो थोड़ा। तो फिलहाल तो अभी मैं एडिटिंग वेडिटिंग कुछ ही करूँगा, बस सोऊंगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, और अभी इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए शुरू के साथ, तब तक लिए बाय। मेरे बाल कैसे हो गया झंडू की तरह।